आज हमारा सफर है साउथ पंजाब के एक शहर राजनपुर तक का। आज का सफर है ना उम्मीदी से उम्मीद तक का। ये कहानी है उम्मीद की, ये कहानी है हौसले की, ये कहानी है एक बेहतर कल की, ये कहानी है राजनपुर। ये कहानी है पाकिस्तान की। हमारा नाम फरजाना है, राजनपुर के रहने वाले हैं। 3 बच्चे हैं, बहुत ही मुश्किल से पाला है उनको। कमज़ोर हैं, चल भी नहीं सकते ठीक से, कमज़ोर हैं बहुत, उनको एलर्जी की बहुत कमी है। ये मेरी बेटी 1.5 साल की है, ये भी बहुत बीमार थी। यहाँ मैं आई, इसको इलाज किया, खुराक मिली, 2000 रुपया भी मिला। उनसे बेहतर है, ज़्यादा बेहतर है। दुनिया के मुल्कों में से हैं जिधर सबसे ज्यादा एक बीमारी है, और यह सबसे अफसोसनाक चीज है, इसको कहते हैं स्टंटेड ग्रोथ। हम 45% पाकिस्तान के बच्चों की बात कर रहे हैं, यानी तकरीबन हर दूसरा पाकिस्तानी बच्चा, क्योंकि हम उनको पूरी गजा नहीं दे रहे हैं, उनको न्यूट्रिशन पूरी नहीं मिल रही, वो मुकाबला ही नहीं कर सकते, वो 21वीं सदी में आगे नहीं जा सकते। तो यह मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए आज हम किधर खड़े हैं और इंशाल्लाह हम ये कैसे अपना रास्ता बदलेंगे। राजनपुर में जो सर्वे हुआ था 2018 में, नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे, उससे हमें ये रिजल्ट्स मिले हैं कि राजनपुर में 48% जो है वो स्टंटिंग का रेट है। तो इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, और ये जो एहसास प्रोग्राम है ओवरऑल PM प्राइम मिनिस्टर का, इमरान खान का, उनके साथ मिलकर और हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक ये प्रोग्राम बनाया गया है ताकि बच्चों में जो स्टंटिंग को कंट्रोल किया जाए, उसको कम किया जाए। अगर प्रेग्नेंट है तो हम उसको हर 3 माह के बाद उसको 1500 मिलेंगे, उसके साथ साथ 3 माह की उसको खुराक भी मिलेगी। उसका बच्चा पैदा होता है तो भी उसको 1500 कंटिन्यू मिलेंगे 2 साल तक। अगर उसकी बच्ची पैदा होती है तो बच्ची को जो है हम 2000 देते हैं। और बेसिकली तो हम उसको खुराक दे रहे हैं ताकि हम उसको क्रोनिक डिजीज से जो स्टंटिंग मसला है वो कम हो सके और वो सही तरीके से उसका इस्तेमाल कर सके। जी अब बहुत गरीब हूँ, इन्हें ये प्रोग्राम चलाया गरीबें की, गरीबें की मदद की थी पी है, साढ़े बालें की खुराक ही पूरी थी है। रात को सारी रात मैं उठी उठी दूध देंदी हम, जेले बच्चे को खुराक मैं दीती हम, हूँ इतना बच्चा जागदा का नहीं हूँ, पेट मशाला इन भरीज वेंदे, मेरा बच्चा सेहतमंद थींदा वेंदे, पहले मेरे बाल कमजोर होंगे हम, हूँ ही बच्चे नाल मैं खुराक जेले गिधी हम, पैसे गिधे मैं बाल को खुराक ही ज्यादा दीती हम, बाल मशाला सेहतमंद थी गए। ये प्रोग्राम चलता रहे मैंने साढ़े पाकिस्तान च, ये बाल कमजोर कहीं कहना हो से, खून की कमी कहना हो से, बाल सेहतमंद थी वैसन। न जाने कितने मासूम ख्वाब बस ख्वाब ही बनकर रह जाते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन मुश्किलात से आगे बढ़ें। अब वक्त आ गया है कि हम अपने ख्वाबों को पूरा करें। मैं बड़ी होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर फौजी बनना चाहता हूँ। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहता हूँ। मैं बड़े होकर पायलट बनूंगा। बड़े होकर पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मैं बड़े होकर टीचर बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर पुलिस बनना चाहती हूँ। मैं बड़े होकर वकील बनना चाहती हूँ।
ہم نے ملک کے 9 پسماندہ ترین اضلاع میں 36 احساس نشو نما سینٹر قائم کر دیے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہے, انشاءاللہ اس کا دائرہ کار بہت جلد بڑھایا جائے گا اور اس سے متعلقہ حکمت عملی بہت جلدی سامنے لائی جائے گی.